यहाँ से निकलेंगे, हम ये नारेबाजी करेंगे। अगर रियासी ईमान पर यहाँ के महकमे की पुलिस ने डंडे पर आए तो हम इतना कहेंगे, सितंबर इधर आए, हुनर आजमाए, आप तीर आजमाओ। यहाँ की रियासत मौजूदा सरकार ने हमारे साथ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ वादा किया था, जब हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे हमारे साथ वादा किया गया था, जितने भी 1994 से 17 मार्च 2015 तक डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स लगे हैं उनके हवाले से एक मुलाजिम दोस्त रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा, जिसका बाजार ऐलान यहाँ के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया। और उसके बाद जब बजट सेशन शुरू होने वाला था उसमें भी, उस बजट सेशन के दौरान भी इस बात का ऐलान किया गया कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन जब फैसले की बात आई तो आपने कुछ मंजूरी नामे अफराद को जो 2007 में लगे 2010 में लगे उनको रेगुलराइज करने की बातें की जा रही है। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, हम किसी की मुस्तकिल पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा है अगर आप 2007 में लगे डेली वेजर्स को रेगुलर करोगे, अगर आप 2010 में लगे कैजुअल लेबर्स या एनआईसी वर्कर्स को रेगुलर करेंगे, तो उसके साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती पीरियड दिया है, अब जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती साल इस महकमे को दिए हैं और यहाँ गोली के साय में नामासाइद हालात के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर रियासी आवाम तक पानी पहुंचाए, उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी फैसला किया जाए। अगर रियासी सरकार ने यह धोखा दी पॉलिसी इख्तियार की और हमारे साथ वादा खराब भी की गई तो इसके संगीन नतज बरहम होगी और जिस संगीन नतज के जिम्मेदार यहाँ की रियासी सरकार होगी। आज का प्रोग्राम सेक्टर 11 का प्रोग्राम दिया गया है और हम 12:30 बजे अभी यहाँ से निकलकर सेक्टर को चारों तरफ से घेरेंगे और रियासी सरकार को यह मामला हल करने के लिए मजबूर करेंगे।